तो दोस्तों इस स्मैकडाउन के मेन इवेंट में कौन जीत के सेथ रॉलिंस को नाइट ऑफ चैंपियन में वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए चैलेंज करेगा मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्मैकडाउन में इस टूर्नामेंट को लेके क्या क्या हुआ। सबसे पहले स्मैकडाउन शुरू हुआ ट्रिपल थ्रेट मैच से एज वर्सेस एज स्टाइल वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच में। इस मैच में एज ने रे मिस्टीरियो और एज स्टाइल दोनों को सबमिशन लगा दिया लेकिन दोनों ने टैप आउट नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ रे मिस्टीरियो ने भी एज और एज स्टाइल दोनों को अपना 619 मूव लगा दिया लेकिन तब भी कोई नहीं हारे। लेकिन इस मैच के आखिर में एज स्टाइल ने एज और रे मिस्टीरियो को हरा दिया और इस मैच के विनर बन गए। और उसके बाद हुआ सेकंड टूर्नामेंट का मैच जो कि था बॉबी लैशली वर्सेस शेमस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में। इस मैच के आखिर में शेमस ने गलती से ब्रोक किक लगा दिया ऑस्टिन थ्योरी को और इस बात का फायदा उठाया बॉबी लैशली ने। बॉबी लैशली ने ऑस्टिन थ्योरी का पिन करवाया और इस मैच के विनर बन गए। और अब स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हो रहा है बॉबी लैशली वर्सेस एज स्टाइल का मैच। इस मैच में जीतने के सबसे ज्यादा चांस किसके हैं मैं आपको बताता हूं। इस मैच में सबसे ज्यादा चांस जीतने के एज स्टाइल के। एज स्टाइल बॉबी लैशली को इस मैच में हरा देंगे और उसके बाद एज स्टाइल सेथ रॉलिंस को फेस करेंगे नाइट ऑफ चैंपियन में वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। नाइट ऑफ चैंपियन में चाहे बॉबी लैशली सेथ रॉलिंस के सामने आए या फिर एज स्टाइल, सेथ रॉलिंस उन दोनों को हरा के सेथ रॉलिंस नाइट ऑफ चैंपियंस में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नाइट ऑफ चैंपियंस में बन पाएंगे या नहीं। इन सारे सवालों को जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा और मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।